देवास जिले के निमाड़ क्षेत्र में हुई 5 लोगों की नरसंहार हत्या को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इंदौर पहुंचे। यहां से काफिले के साथ नेमावर के लिए रवाना हुए। इसके पहले चर्चा में उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच और पीड़ित दलित परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने की मांग की। दरअसल रहीदास दलित कल्याण उत्थान समिति अध्यक्ष गबूर सिंह चौहान नेमावर में हुई घटना को लेकर कहे कि इस पूरे घटना में दलित समाज में काफी रोष व्याप्त है। सरकार सपोर्ट करने वाले 15 लोगों को बचाने में जुटी है, जिसका विरोध किया जा रहा है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने देवास जिले के नेमावर में पूरे काफिले के साथ रवाना हुए। समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार उन 15 लोगों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार पर किसी तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है कि आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं। नेमावर में जो घटना हुई है कि एक दलित लड़की के जो 5 हत्याकांड हुई उसका पूरा विरोध कर रहा है। अभी सरकार द्वारा यहाँ पे जो है मूल जो लोग जिन लोगों ने सपोर्ट किया ऐसे 15 लोग हैं उनको अभी गिरफ्तारी से बचा रही है और सीबीआई की जांच कर रहे हैं, इसलिए आज भीम आर्मी के प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं। और देखा जा रहा है कि अभी दलितों पे काफ़ी अत्याचार बढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो भीम आर्मी की एक्टिविटी जरूरी है। क्या रूपरेखा रहेगी आगे? अभी रूपरेखा रहेगी कि अगर ये लोग सरकार अगर वो 15 लोगों की गिरफ्तारी कर लेती तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है अनिश्चितकाल आंदोलन बड़ा उग्र होगा। अध्यक्ष जी आए हैं बस इसी सिलसिले में आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इंदौर में भी एक रेप की घटना हुई है जो काफ़ी जघन्य अपराध है, उसको भी प्रशासन द्वारा दबा दिया गया है, लेकिन वहाँ भी जो प्रशासन जो है पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रहा है और जो है वहाँ पे मौजूदा सरकार की जो एक्टिविटी जो है समाज विरोधी है, इसलिए अभी आए हैं यहाँ पे। वो शाम को इस बारे में पूरी चर्चा होगी। गौरतलब है कि देवास जिले के नेमावर में आदिवासी दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या कर उनके शव को दफना दिया था। हालांकि हत्याकांड के अधिकांश आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।